बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो, आपके हाथ गंदे, बताइए कुछ कहना कुछ चाह रहे कह हाँ मैं चावल खाने वाला हूँ। अच्छा, और चाचू पोटी करने गए हैं। हर हर बार चाचू पोटी करने जाते हैं, पास में तो तेरे बैठे रहते हैं। ये जाता है पोटी करने, एक एक मिनट में दूसरा पंजाम लगा दो। गाइस मैं चाउमीन खा रहा हूँ, हर्षिल पोटी करने गए हैं। ये भाई साहब, उल्लू बता दिया, उल्लू बता दिया तुम्हारा। गंदी बातें करोगे तो मैं कैमरा बंद कर दूंगी। हो चुकी है बेइज्जती। हम दोनों चाय, मैं दोनों सारी चाय पी जाऊंगा। आप तो अपनी तो पियो पहले। और आज बनी है घर में चाउमीन। खा भी लो इसको। दो बजे से वो कर रहा है। चाचू को दे दो थोड़ी सी, तो फिर फिनिश करो वरना मैं चाचू को दे दूंगी सारी। एक भी बाइट नहीं गई है तुम्हारे मुंह में अभी तक। ज्यादा वाली लाओ मैं करूं। मुझे इसे डांटना पड़ता है खाने के मामले में। जो चीज पसंद है तो उसमें फिर नखरे करता है, ये डांट खाता है। यस बोल दो यस। तब से ऐसी रखी है, हम सबकी खत्म हो गई है। अभी प्याज प्याज सारा इनको दिया है अभी मैंने हटा कर। नखरे कर रहा है तब से, इसलिए मैंने कैबेज कुछ भी नहीं डाला। मैंने सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं मंगवा के कुछ भी नहीं डाली, सिर्फ अनियन डाली है फ्राई करने की वजह से। अब फिर भी आप नहीं खा रहे हो, फिर कितनी देर में फिनिश कर देगा हर्षिल बताओ। लव जी आप अब आ गया जोश, चलो फिनिश कर लो फिर। देख लो ये लड़के आए हैं बाहर से, सारी पीछे वाइट वाइट टी शर्ट हो रखी है। लड़के हैं वो चींटी वैसे। देख रहे हो, ये देख रहे हो, देखो भाई सब क्या हो गए, टैटू बना के भाग गई चींटी। कहाँ है मुझे दिख नहीं रहा। दिखा? हाँ अब दिखा। उसको साफ करो। ये रहा पाउडर लगा रखा है, इस पे क्या लगाना है? कोकोनट ऑयल है, लगा देती हूँ कोकोनट ऑयल। ऐसा बहुत गंदा दर वो हो रहा है, ऐसा घटे सब कुछ आ गए। क्लीन करती हूँ अब, दिखा साफ करना जरा। रुक तो जा, मैं लेकर आ रही हूँ ना क्लीन करने के लिए कपड़े से। ऐसा दिमाग खराब हो रहा है ऐसा। चलो मैं इनको साफ कर देती हूँ। बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। अब ज्यादा कुछ लाना नहीं है, तुम इतनी देर से छेड़े भी जा रहे हो हरकत, तो तुम खुजाना जरूरी है। ऐसे सिर रब हल्के हल्के रब कर लो, खुजला रहे हैं यूं करके तो हो गई। और बरसात के कीड़े ऊपर से हम लोग आए थे, चींटी है लाल चींटी, जरूरी भी नहीं कि लाल चींटी हो, लगती कुछ और भी हो सकता है। मम्मी ने बताया लाल चींटी, चींटियों से भी होता है और कीड़ों से भी। वो है हमारे पास में कपड़े से, वो लगा लो सरसों का तेल। वो नहीं है मेरे पास, कोकोनट ऑयल खत्म हो गया मेरे पास। कोकोनट ऑयल नहीं है जरा सा भी नहीं है, वो लगा दूं मैं। लेकर आ दो बोरो प्लस है, बोरो प्लस है, नहीं है ओली ओली लग रहा मुझे, नहीं पता। चलो भाई साहब, भाई साहब इसकी मालिश होगी अब। सरसों कच्ची घाणी का आ रहा है। हां आराम से बस, कोई नहीं मिला लगा देते भाई साहब। मालूम भी लग गया कच्चे तेल की महंग हो जाएगी मेरे अंदर। तो क्या बुरा है, पता है बालों के लिए कितना अच्छा होता है। एयर पे करना इसको मजा आ रहा है, मजा कुछ भी मिली मिट रही है ना मेरी। बाल काट दी तुम्हारे? खुशबू हो गई है। बाल काट दी है? ये वाली नहीं है यार, कटिंग कराने। ट्रिम कर दूँ ऐसे ऐसे? अभी कुछ नहीं करो बस इसको सही। दाने के ऊपर से यूं कर दूंगी। हो गया अभी हैं, ऐसे कर दूं ट्रिमर नहीं जी शा आ जाएगा तुमको, ऐसे बोलोगे बस। चलो हो गया, ड्रामे बाद में ऐसे मन कर रहा है मेरे मम्मी मम्मी देखो मेरे त्याग हो दिया, पापा का नान कथाएं खाने हैं। अरे सुनते हो बेटे को नान कथाएं ये तो वाली बात। अरे सुनो सुनो, मुन्नू को ना कह रहा बेटे को
तुम ही कहते भागते हुए, मम्मी मम्मी मेरे देखो क्या हो गया। मम्मी मम्मी मुझे मेरठ की मशहूर नान कथाएं चलो जी सुनते हो बेटे को मेरठ की मशहूर नान कथाएं। चलो बस अब दर्द खत्म हो गया इनका लग रहा क्या बजते रहते हैं ना गलियों में मेरठ की मशहूर नान। ये भी तो बस क्या लगी मेरे वो बेटा मेरे को आवाज नहीं निकल रही पॉपकॉर्न वाला कवाड़ी वाले ऊसी टुकड़े वाले रद्दी कागज वाले खाली बोतल वाले याद हो गई सुन सुन के ऊसी टुकड़े वाले लास्ट में ये भी तो बोलते हैं वो होता है उनका एंड फिर दोबारा शुरू करेंगे वहां से। चलो भाई।